कृषण भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा कंपनी का टाकोमी कीटनाशक का बारे। टाकोमी कीटनाशक क्या रहता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन, इसके अलावा उसमें कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकता है टाकोमी कीटनाशक स्प्रे कर करके, और उसका कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारे में आप उपयोग कर सकते हैं टाकोमी कीटनाशक, इसके अलावा उसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है, इसका प्राइस कितना है, उसमें मोड ऑफ एक्शन क्या बारे में, और उसका दूसरा कोई कीटनाशक का साथ फंगिसाइड के साथ एक साथ मिक्स करके आप फसल में स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रिजल्ट मिलने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है टाकोमी कीटनाशक पर खेती सब्जियों का खेती बारे में, लगभग ए टू जेड बात करेंगे टाकोमा कीटनाशक जो टाकोमी कीटनाशक आता है इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कृष्ण भाई आए बात करेंगे टाकोमी जो कीटनाशक आता है उसमें मोड ऑफ एक्शन, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है इसके बारे में। जैसे इसमें केमिकल कंपोजिशन रहते हैं फ्लुवेनिमाइड 20% WG फॉर्म में रहता है, जो बेहतरीन काम करता है फसलों में कीटों को नियंत्रण करने के लिए। किसान WG क्या होता है, जो वाइटेबल जो एक दानादार प्रोडक्ट रहता है ग्रेनुलर फॉर्म में रहता है, जो अच्छे से पानियों में घुल कर स्प्रे करने हैं आपको सब्जियों का कोई भी खेती बारी में, इसके बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाई आई बात करेंगे आप कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारी में यूज़ कर सकते हैं टाकोमी कीटनाशक इसके बारे में, जैसे तुरई का फसलों में, भिंडी का फसलों में, मिर्च का फसलों में, टमाटर कारपास का फसलों में, पत्ता गोभी फूल गोभी का फसलों में, इसके अलावा जैसे आप कोई भी सब्जियों का खेती बारी में, जैसे आपका मिर्च बैगन का खेती बारी में, बीन का खेती बारी में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो टाकोमी कीटनाशक रहते हैं बेहतरीन काम करते फसलों में कीटों को नियंत्रण करने के लिए। किसान भाइयों जब टाकोमी कीटनाशक आपका खेती बारी में यूज़ करता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसका डोज सही होना चाहिए, क्योंकि डोज सही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप कोई भी टाकोमी कीटनाशक आपका सब्जियों का खेती बारी में उपयोग करता है तो उसका डोज कितना स्प्रे करना है आप इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाई जो उसका डोज कितने स्प्रे करना है, लगभग 100 ग्राम जो पैकेट होता है उसका डोज लगभग 50 से 60 लीटर पानियों में घुलकर अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि जो दानादार प्रोडक्ट रहते हैं पानियों में मिनिमम 5 मिनट रखने के बाद आप स्प्रे करना है अच्छे से, जो मिक्स्ड हो जाएगा पानियों में, इसके बाद आपका सब्जियों का कोई भी सब्जियों का खेती बारी में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है जो टाकोमी कीटनाशक। किसान भाई आई बात करेंगे टाकोमी कीटनाशक जो होता है इसका कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं आपको सब्जियों का खेती बारे में स्प्रे करके, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सुंडी, तेला, मेहू, इसके अलावा जैसे फल चेदक, ताना चेदक जो इंसेक्ट को आपका नियंत्रण कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे लीफ पोल्डर, अमेरिकन बॉलन, इसके अलावा जैसे कोई भी लेडी बाग जो इंसेक्ट आपको सब्जियों का खेती बारे में आता है उसको भी आप नियंत्रण आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसान भाई क्या होता है धान का खेती बारे में, जैसे राइस स्टेम बोलर जो इंसेक्ट आता है धान स्टेम, जैसे फल चेदक, ताना चेदक जो इंसेक्ट आता है धान का खेती बारे में आप आसानी से उसको नियंत्रण कर सकते हैं टाकोमी कीटनाशक स्प्रे करके। इसके अलावा क्या होता है किसान भाई जो अमेरिकन सुंडी होता है इसको भी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इसको स्प्रे करने के बाद, जो इंसेक्ट आता है उसको भी नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई जो डायमंड बैक मॉथ जो इंसेक्ट आपका सब्जियों का फसल खराब कर देता है उसके लिए भी आप अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं टाकोमी कीटनाशक स्प्रे करके, इसका रिजल्ट भी बहुत तुरंत मिल जाता है स्प्रे करने के बाद। किसान भाई आई बात करेंगे टाकोमी जो कीटनाशक आता है उसका स्प्रे करने के बाद उसका रिजल्ट कब मिलता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। किसान भाई जब टाकोमी कीटनाशक कब सब्जियों का खेती बारे में स्प्रे करते हैं इसका रिजल्ट लगभग 15 डेज के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है, क्या अच्छा काम किया नहीं किया इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए उसका रिजल्ट मिल जाए। और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप 21 डेज के बाद आपका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। उसका तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, आपका कोई भी लॉन्ग टाइम जो वेजिटेबल सब्जियों का खेती बारी होता है जैसे धान का फसलों में, मिर्च का फसलों में, बैगन का फसलों में आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा क्या करना है, जैसे आपका किसान भाई क्या दिक्कत होता है फल चेदक जो इंसेक्ट जो कीट होता है फसल खराब कर देता है, जैसे आप क्या करना है पत्ता गोभी का फसल का, फूलगोभी का फसलों में, बैगन का फसलों में, बरबटी का फसलों में, जैसे लोबिया का फसल होता है उसमें क्या होता है फल चेदक कीटों ज़्यादातर आता है, फल चेदक के लिए आपको फसल खराब कर देते, इसके लिए भी आप जो टाटा कंपनी का टाकोमी कीटनाशक है आप स्प्रे कर सकते, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलते, तुरंत काम कर देता है और अच्छा कंट्रोल भी कर लेता है जो फल चेदक इंसेक्ट उसको नियंत्रण भी कर लेता है।
कृष्ण भाइयों, आई बात करेंगे टाकुमी कीटनाशक जो होता है उसका प्राइस के बारे में, उसका क्या प्राइस रहता है अब इसके बारे में बात करेंगे। इसका प्राइस 100 ग्राम का प्राइस लगभग 240 रुपीस में मार्केट में मिल जाता है, इससे 200 रुपीस भी मिल सकते हैं। उसका पैकेजिंग साइज होता है 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो तक उसका पैकेजिंग साइज मिल जाता है, आपको कोई समस्या नहीं होगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात किया था टाटा कंपनी का जो टाकुमी कीटनाशक है इसके बारे में, इसका डोसेस कितना फसलों में स्प्रे करना है, इसमें कंटेंट क्या रहता है, केमिकल कंपोजिशन, उस कौन कौन सा फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया था। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी टॉपिक में नहीं तो टाटा कंपनी का जो टाकुमी कीटनाशक इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कोई भी जानकारी है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।